असलामुअलैकुम व्यूअर्स, आज मैं आपको 1250G ये कंप्रेसर का मॉडल नंबर है, इसके हवाले से रिव्यू दूंगा। आपने एक साइड इन में लगा दिया है और यहाँ से एक आउट में लगा देंगे। इसके लगाने के बाद आपने पावर ऑन करनी है। पावर ऑन होते ही आपने चूल्हा ऑन कर दिया। आप देख सकते हैं ये फ्लेम, अच्छी खासी फ्लेम है इसकी। इसका आइडिया आपको अब होगा। ये देखें, ये फ्लेम है, ठीक ठाक फ्लेम है। देखें आप जितना इसको तेज करेंगे उतना ये तेज होता जाएगा। यहाँ से आप इसको कंट्रोल इसका बढ़ा सकते हैं, तेज कर सकते हैं। यहाँ से इसको जितना तेज करते जाएंगे उतनी ये और तेज होता जाएगा। और इसको मैं अभी ऑफ करता हूँ तो आप फ्लेम को देखिएगा। ये देखें, ये फ्लेम हो चुकी है अब इसकी। मतलब फ्लेम में कितना फर्क है। ये देखें, अब ये फ्लेम कितनी कम हो चुकी है। लेकिन जैसे ही मैं ऑन करूँगा फ्लेम तेज हो जाएगी। तो ये चीज़ है, आप देख सकते हैं कि काफ़ी अच्छी चीज़ है। जिन इलाकों में लोड शेडिंग का प्रॉब्लम है वहाँ के लिए मैं भी आपको लाइट ऑफ करके दिखाता हूँ। ये है फ्लेम, लेकिन जैसे ही मैं ऑफ करता हूँ तो ये देखें, अब फ्लेम को देखें, काफ़ी बेहतर है ये। इसके और ये जो हमारा कंप्रेसर था, इसको अंदर का सर्किट और पंप है, सिंपल सा है। इसमें कोई इतनी लंबी चौड़ी वो नहीं है। ये इधर इसका कंट्रोलर है जिससे आप कंट्रोल कर सकते हैं गैस की स्पीड को। ये ऑन ऑफ है और ये आउट है और ये इसका पंप है। टोटल ये इतनी सी चीज़ है। बॉडी वाइज काफ़ी अच्छा है, फिनिशिंग भी बड़ी बेहतर है। और पाकिस्तानी मेड नहीं है ये, चाइनीज़ मेड है। और फिनिशिंग बहुत अच्छी है। तो ये एक अच्छी प्रोडक्ट है, आप ले सकते हैं अगर आपके घर में गैस का इशू है। तो मज़ीद किसी किस्म के क्वेश्चन के लिए कमेंट्स में लिखें और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।